दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर उनकी गिरफ्तारी के पीछे की वजहों को स्पष्ट किया उन्होंने बताया कि केजरीवाल को एनडीए के सांसद एमएसआर यानी कि मंगूटा श्रीनिवासु रेड्डी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के सांसद है सुनीता केजरीवाल ने अपने संदेश में बताया कि सत्रह सितंबर दो को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी ईडी ने उनसे पूछा कि क्या वे कभी अरविंद केजरीवाल से मिले हैं ने स्वीकार किया कि वे 16 मार्च 2021 को दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल से इसके लिए जमीन की बात करने के लिए केजरीवाल से मिले थे केजरीवाल ने उन्हें एल के पास आवेदन करने की सलाह दी थी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके बेटे राघव मंगूटा को गिरफ्तार कर लिया इसके बाद भी एम एस आर अपने पहले बयान को ही दोहराते रहे जो कि सच था लेकिन ईडी ने दबाव बनाकर उनका बयान बदल पाया जुलाई 2023 में एमएसआर ने कहा कि केजरीवाल ने उनसे शराब का काम शुरू करने के लिए कहा था और बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने को कहा था इस बयान के तुरंत बाद राघव को बेल मिल गई सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि एमएसआर का नया बयान पूरी तरह झूठा है उन्होंने कहा कि एमएसआर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठा बयान दिया उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को पैसे मांगना होता तो वह किसी अजनबी से 10 से 12 लोगों के सामने पैसे नहीं मांगता एम एस आर के बेटे और परिवार को पांच महीने तक प्रताड़ित किया गया जिससे वो टूट गए और झूठा बयान देने पर मजबूर हो गए सुनीता ने कहा कि कोर्ट ने भी माना कि ईडी ने बेल पर प्रलोभन देकर बयान लिया है कोर्ट ने केजरीवाल को बेल देते हुए स्पष्ट किया कि ईडी ने बयान बदलने के लिए दबाव डाला था उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हैं उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल एक पढ़े लिखे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति है और अगर आज जनता उनके साथ खड़ी नहीं हुई तो इस देश में पढ़े लिखे और ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को फंसाकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल बेदाग होकर बाहर आएंगे